अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? अच्छा, कल हमने इस पार के यार पे काम किया था और आज कोई नया बंदा नहीं है जो कल नहीं था और आज आया हो? आज उसकी फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, कल का मिस कर दिया उसने, कोई ऐसा बंदा है? सही है, तो आप में से किसी ने कल फिल्टर बनाया था? मुझे कुछ लोगों ने पिक्चर्स वगैरह सेंड की थी, तो अभी कोई ऐसा बंदा अवेलेबल है जिसने कल फिल्टर बनाया हो? कोई बंदा अवेलेबल नहीं है अभी जिसने फिल्टर बनाया है। सही है, मैं ये चाह रहा था कि जिस जिसने फिल्टर कल बनाया है उनको मैं फेसबुक के ऊपर पब्लिश करना सिखाऊं कि पब्लिश कैसे होता है, और फिर उसके बाद मैं यूनिटी पे आ जाऊं, ताकि आप ये कि अपने मोबाइल पे एटलीस्ट वन फिल्टर, एक आध फिल्टर को आप पब्लिश करके उसको ट्राई तो करें। मैं ये चीज़ चाह रहा था। चलें मैं बता देता हूँ, अभी आई थिंक कुछ और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा स्लो लेके चलते हैं। आज तकरीबन हमारी क्लास है 10 बजे तक, और उसमें ये कि 10:15 हो जाएंगे, तो हम लोग ये के सारे टॉपिक इसमें कवर करते हैं। स्टार्ट में दोबारा इस पार्क एयर से लेते हैं, ताकि आप लोग जो है वो एटलीस्ट इसकी बिल्ड बनाना सीख लें। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है इसी से रिलेटेड कि जो AR/VR है ना, इसमें जो हमारे पास इमेजेस होती हैं उनको हम 360 डिग्री कर सकते हैं, मतलब कि एक स्टिल इमेज है उसको मैं 360 डिग्री कर सकता हूँ। हाँ, वो 360 कैसे कर सकते हैं? सर वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो किस तरह, मतलब मैं क्या तो करता हूँ, अब मैं जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग देखता हूँ, मेरा 4 साल से ज्यादा हो गया मैं फील्ड में जो काम कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत काम कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, तो वहाँ पे एक फीचर है जिसमें मैं उस इमेज को जो है 360 कर सकता हूँ, बट एक्चुअली स्टिल उसमें थोड़ा सा मसला आता है कि वो फुल 360 नहीं होता, मतलब आपको बता देता है लेकिन फिर भी वो उस कैमरे के अंदर स्टक हो जाता है, तो मैं पूछ रहा था कि AR/VR में चीज पॉसिबल है। यार AR/VR में वैसे 360 तो एक अलग चीज़ है, जो इमेज के साथ जो काम होता है ना उसको कन्वर्ट करते हैं 360 में, वो तो एक अलग चीज़ है, वो AR में तो नहीं आती। AR में तो मतलब वर्चुअली मैं किस तरह से उसको ऑगमेंट करता हूँ किसी चीज़ को, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो AR में ये काम नहीं है, ये अलग कन्वर्जन का काम है, बट अलग चीज़ है, ये AR से डिफरेंट है। अच्छा अच्छा हमाद, आप इस पार के यार पे नहीं काम कर रहे? सही है, आपने लेंस स्टूडियो में ट्राई किया, बट मैंने यहाँ पे इस पार के यार करवाया था, तो लेंस स्टूडियो है लेकिन सेम ही है, तकरीबन प्लेटफॉर्म सेम ही है, काम करने का तरीका तकरीबन सेम है दोनों का। चलें इस पार के यार से स्टार्ट लेते हैं और एक फिल्टर मैं बिल्ड कर देता हूँ। अच्छा, कल का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने सेव नहीं किया, कि वो जस्ट मैं आपको चीज़ें समझा रहा था कि किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं, पैच पैच पे क्या कैसे काम करते हैं। तो खैर, मैं यहाँ से कोई भी एक फ़िल्टर उठा के उसको अप्लाई करता हूँ, तो मैं किस तरह से उसको बिल्ड कर सकता हूँ। चलें आइस का कर लेते हैं, ये आइस पे मैंने क्लिक कर दिया, आई कलर इसमें हम लोग चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सर हमने स्क्रीन बिल्ड ब्लैक हो किया, गई है आपकी, फिर सही है, से मैं शेयर दोबारा करिए उसको, जी जी जी। हाँ जी, अब आ गई होगी। जी सर परफेक्ट। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इसमें चेंजिंग की थी, जो समझाने के लिए चेंजेस की थी, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको सिंपल बिल्ड करूँगा, अपने फ़ोन पे चलाऊँगा, और फ़ोन पे चलाने के बाद मैं यूनिटी पे आ जाऊँगा, फिर हम लोग यूनिटी को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम लोग AR की एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, फाइनल उसकी आज बिल्ड बनाएंगे, उसके बाद फिर सेशन हमारा एंड होगा, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टेस्ट ऑन डिवाइस का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, सब यहाँ पे देख रहे हैं, सबके पास आ रहा होगा। टेस्ट ऑन डिवाइस पे क्लिक किया तो इसने मुझे ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब मैं मेरे पास जो स्पार्क एयर का अकाउंट बनता है वो फेसबुक से ऑलरेडी लिंक होता है, क्योंकि मैं फेसबुक की डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, तो मुझे फेसबुक की आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है, फेसबुक से लिंक करना होता है। इंस्टाग्राम मैंने लिंक फ़िलहाल नहीं किया हुआ, बट ये कि आप लोग इंस्टाग्राम भी लिंक कर सकते हैं। और फेसबुक फ़िलहाल लिंक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सेंड का बटन दबाऊँगा। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, अब ये यहाँ पे अपलोडिंग टू स्पार्क हब कर रहा है। सही है, स्पार्क एयर प्लेयर पे भी मैं जाऊँगा और हब पे आपको दिखाऊँगा कि हब पे किस तरह से होता है। अब ये मेरे फेसबुक कैमरा में सेंड हो चुका है, कैंसिल का बटन आ रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अपलोडिंग अभी हो रही है, ठीक है, ये कह रहा है कि मैंने सेंड कर दिया, अब आप उसको टेस्ट कर लें। ठीक है, तो अब टेस्ट किस तरह से करूँगा, मेरे पास यहाँ पे आपको अगर कैमरा में मेरे देखें तो, एक सेकंड मिला था, स्क्रीन में शेयर आपसे क्लोज कर रहा हूँ जी। ये देखें, मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन पे जब मैं टैप करूँगा तो मेरे पास लेंस खुल जाएगा मेरा, ये लेंस खुल गया मेरे पास। अब इससे मैं ये कर सकता हूँ कि अपने आईज़ का कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ कि किस तरह से आईज़ का कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, इस तरह से पहला लेंस मैंने बिल्ड कर लिया और मैं उसको ट्राई करके देख रहा हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। ये अभी फ़िलहाल सिर्फ ट्राई हो रहा है, अब इसको पब्लिश कैसे करना है, पब्लिश करके दिखा देता हूँ। पब्लिश कहाँ से होता है, गेट स्पार्क एयर प्लेयर, ठीक है, इस पर करते हैं हम लोग। तो मेरे पास ये गूगल की सर्च पे चला जाएगा और वहाँ पे एक ऑप्शन ओपन कर देगा मेरे पास, तो गूगल शेयर कर देता हूँ आपसे। अच्छा, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और इस पेज में स्पार्क एआर प्लेयर, अच्छा प्लेयर डिफरेंट चीज़ है जिस पे ये ले जा चुका है मुझे। प्लेयर ये होता है कि आप मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करें और उसमें डायरेक्ट, जैसे मैंने फेसबुक पे डायरेक्ट टेस्टिंग कर ली है, तो आप प्लेयर पे डायरेक्ट टेस्टिंग कर लें। लेकिन पब्लिश करने के लिए मैं स्पार्क एआर हब पे जाऊंगा। ठीक है, तो मैनेज इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, स्पार्क एआर हब यहाँ पे खुल चुका है। ये देखिए, ये जो लिंक है ये स्पार्क एआर हब का है। ठीक है, ये रहा स्पार्क एआर हब। अब हब के अंदर मेरे काफ़ी पहले के जो हैं वो फिल्टर्स पड़े हैं जो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर मैं पब्लिश अगर करना चाहूँगा तो पहले मुझे यहाँ पब्लिश इफेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिश इफेक्ट में आ गया, सही है, इसको मैं यहाँ पे नेम दूँगा आई कलर, जो भी मैं नाम देना चाह रहा हूँ। यहाँ से अपलोड फाइल करूँगा, अब ये फाइल कहाँ से आएगी मेरे पास, तो फिल्टर की फाइल पहले मैं निकाल लेता हूँ कि कैसे आएगी, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाके मेरे पास यहाँ पे अपलोड एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, या फिर सिर्फ एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है मेरे पास। सही है, ये अपलोड एंड एक्सपोर्ट मैंने कर दिया, मेरे पास सिर्फ उसका है नहीं ऑप्शन, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिर्फ फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी और यहाँ से अपलोड भी डायरेक्ट हो सकती है इस बात पर, बट मुझे फ़ाइल चाहिए फ़िलहाल, एक्सपोर्ट फाइल भी करूँगा। तो यहाँ पे इसकी सारी स्टेट्स आ रही हैं, समरी आ रही है। ठीक है,
iOS पे ये फाइल का साइज़ इतना होगा। सही है, फेसबुक के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, मैक्स 10 MB आ सकता है और इंस्टाग्राम में 4 MB की फाइल हो सकती है, मतलब फाइल का साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चेक करके आपको समरी बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है इसके हिसाब से। अगर आप एसिड्स बहुत हैवी यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे ये ग्रीन नहीं आएगा, ये रेड हो जाएगा और आप फिर अपलोड नहीं कर सकते उसको वहाँ पे। तो आपने साइज़ का ख्याल रखना है जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जैसे ये आई कलर का इसमें मॉडल यूज़ किया, मॉडल का साइज़ छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा ना हो कि ये सपोर्ट ही ना करे इसको, ठीक है। अच्छा, पब्लिश अ न्यू फैक्ट, ये अपलोड में आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइल कर देता हूँ मैं, कहाँ करूँ, अपने डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। आई कलर ARE एक्सपोर्ट, AR एक्सपोर्ट, सॉरी, ठीक है। एक्सपोर्ट हो गई है मेरे पास, तो मैं फाइल दिखाता हूँ कहाँ है ये। फाइल मेरे पास ये आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैंने अपने क्रोम में लेके जाना है और क्रोम में मैंने अपलोड करनी है फाइल की ऑप्शन में, ठीक है। तो क्रोम में ले आते हैं फाइल को, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा सिंपल। यहाँ पे लिखा है फाइल साइज़ मीट्स द रिक्वायरमेंट, तो फाइल साइज़ आपका बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, ऑल प्लेटफॉर्म्स हैं, और कोई अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो तो कोई एक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इसमें से, तो ऑल पे ही कर दें, कोई इशू नहीं है। टेस्ट आप किस पे, किसी पे एक पे कर लें, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा, यहाँ तक मैंने करके क्या करना है, यहाँ पे डेमो वीडियो अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पब्लिक करने के लिए ज़रूरी होती है कि आप यहाँ से, यहाँ पर कोई भी अपनी फेस पे आप करके टेस्टिंग करके उसकी वीडियो बना लें या किसी और को टेस्ट करवा लें, और फिर ये कि यहाँ पे अपलोड कर दें वीडियो। कैटेगरी कौन सी देना चाहेंगे, कैटेगरी मेरे पास सेल्फी कर लेते हैं। कीवर्ड्स क्या, अगर ये सर्च में किसी के आना चाहे तो कैसे आएगा, आई कलर कर लेते हैं। फिल्टर्स अगर आप लोग सर्च करें तो उसके कीवर्ड्स हैं, जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे उतना ज़्यादा सर्च में आएगा वो, तो आई कलर कर दिया। वीडियो या इमेज डाल दें इसमें और इसको सबमिट कर दें। अच्छा, ये सबमिट क्या है, ये लाइव करने का, तो इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, जस्ट वीडियो या फाइल अपलोड करके इसको आप जस्ट सबमिट कर दें, जो सबमिट हो जाएगा फिर एक आध दिन लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो नहीं बना रहा है और ये चीज़ें नहीं कर रहा मैं, जस्ट मैं अभी आपको ये इतना बता दिया, बाकी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं एक वीडियो बना के या फाइल कोई भी अब वो पिक्चर वगैरह अपलोड करें तो ये आपको ऑप्शन सबमिट का दे देगा। सही है, यहाँ पे इसको हम लोग डन करते हैं, और अगर आप लोग इस आई कलर के प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं तो यहाँ से रिप्लेस डायरेक्ट कर दें, चेंज हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा खुद ही, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। अब आते हैं यूनिटी पर, यूनिटी किस किस ने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, कुछ लोग और भी आ गए, तो कल फिल्टर कौन बना रहा था, कल किसी ने पिक्चर्स भी शेयर की थी, जो टैटू वाला बनाया था उसकी एक दो पिक्चर्स आई थी। हाँ, उसामा, उसामा ने शेयर किया था, सही। यार उसामा, आप एक काम करें, आप ना अभी जो मैंने बिल्ड का तरीका बताया ना, आप अपने फेसबुक पे उसको बिल्ड करके अगर पिक्चर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें प्लीज़। बिल्ड का समझ आ गया सबको, किसी को कोई इशू तो नहीं है बिल्ड में। जी आप ट्राई करें, सिंपल है, जैसे टेस्ट ऑन डिवाइस पे आप जाके फेसबुक पे सेंड करें, फेसबुक जब आप मोबाइल से ओपन करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन आई भी होगी,
उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप अपना फिल्टर ट्राई कर लें। ट्राई करके जस्ट आप एक सेल्फी टाइप की या कुछ भी, अगर सेल्फी नहीं भेजना चाह रहे तो वैसे उसको हाइड करके भेज दें। मैं यूनिटी पे आ रहा हूँ, यूनिटी ओपन करता हूँ। यूनिटी 2018 इंस्टॉल करना था सबने। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा ठीक है, न्यू पे क्लिक किया और मेरे पास ये आ गया। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और ये जस्ट ये लोकेशन है जहाँ पे भी इसे सेव करना है। यहाँ से मैं 3D सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं 3D पे ज़्यादा काम कर पाऊँगा। 2D गेम वेम पे काम नहीं कर रहा अभी, मैं सारी 3D की चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ 3D आ गया और एसेट्स पैकेज मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने यूज़ करूँगा। क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ओपन हो रहा है यूनिटी, जिनके पास यूनिटी है वो ऑन कर लें अपने यूनिटी। उसाना आप आपको कोई इश्यू आए उसमें फिल्टर में तो पूछ लेना आप डायरेक्ट। अच्छा, यूनिटी लोड हो रहा था, मेरे पास लोड हो चुका है। अच्छा, यूनिटी आ चुका है मेरे पास। और इसमें इसमें सबसे पहले मेरे पास होता क्या क्या है मैं देख लेता हूँ कि इस पे काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो काम हम लोग इस तरह से करते हैं, ये मेरे पास सीन है, यहाँ पे ये एक कैमरा लगा हुआ है, मेरा माउस आप देखें, और इसी को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ये एक यहाँ पे लाइट लगी हुई है, सही है। अब आप गौर करें तो मैं लाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन लाइट हाईलाइट हो गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेन कैमरा हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँ क्या, ये है क्या, ये समझ लें एक किस्म की स्पेस है जहाँ पे मैं काम करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इस स्पेस की एक मेरे पास पोजीशन होती है, ठीक है तो ये बहुत बड़ा, मैं कहीं भी चला जाऊँ जूम करके या आगे कुछ भी इस पर करके मैं बहुत दूर जा सकता हूँ, लेकिन कोई एक पोजीशन होगी। पोजीशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोई भी चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा तो इसको 0-0 पोजीशन से स्टार्ट करूँगा, कोई भी मेरी चीज़ होगी, ताकि मुझे उस पोजीशन पे जाके पता लगे कि ये 0-0 पर मैंने रखी हुई थी, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं उस चीज़ तक आराम से पहुंच सकता हूँ। ये एक बेसिक सा आइडिया जो हम लोग स्टार्ट करते हुए जहन में आना चाहिए। सैम्पल सीन क्या है, सैम्पल सीन एक बना हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास यूनिटी पे जो काम होता है वो सीन्स पे होता है, ठीक है। ये मेरे पास सैम्पल सीन है, ये यहाँ पे सारे फोल्डर्स बने हुए हैं इसके, जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है। एसेट्स में जिस तरह से स्पार्क एआर में मैंने बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, ये वही सेम चीज़ है, ठीक है। एसेट्स के अंदर सीन पड़ा हुआ है और कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, ठीक है। कंसोल के अंदर मेरे पास सारी जो भी तीन चीज़ें होती हैं, वार्निंग्स होती हैं, एरर्स होते हैं, और मेरे पास कोई चीज़ अगर मैसेज आता है तो वो मैसेज है, डीबग मैसेज है, कुछ भी है, वो मेरे पास डिस्प्ले यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं मेरे पास जिनके आइकन बने हुए छोटे छोटे यहाँ पे, ठीक है, इनका ये मतलब है। तो यहाँ पे कंसोल में अगर कोई एरर होगा तो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा रन टाइम पे, ठीक है। रन टाइम के अलावा भी हो जाएगा, अगर आपका कोड ही ख़राब है और उसमें मसले हैं तो वो आपको रन टाइम के बगैर ही यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा देगा। अच्छा, हायरार्की में मेरे पास ये चीज़ें आ गई और सीन में मेरे पास काम करने वाली चीज़ें आ गई,
गेम क्या ही है, गेम का टाइप क्या है। गेम के टाइप में होता है कि जो चीज़ मैं बनाऊंगा वो मुझे डिस्प्ले मेरे कैमरे में कैसे होगी। ये जो मेन कैमरा है इसका एक डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये मेन कैमरा है जो मुझे चीज़ें दिखाता है, ठीक है। इसकी भी एक पोजीशन है, तो इसके सामने कोई चीज़ होगी तो मुझे दिखेगी, इसके पीछे कोई चीज़ होगी तो मुझे नहीं दिखेगी। ये देख रहे हैं रेस निकल रही है इससे, इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ, ये देखें जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसको। कैमरे की एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, ठीक है, तो ये कैमरा इस बॉक्स के अंदर देख रहा है। अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये बॉक्स को मूव करूँगा तो अगर बॉक्स के कहीं और चीज़ होगी तो वो मुझे दिख जाएगी वहाँ पे। गेम के अंदर मैं आता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं है, तो ये दिख रहा है मुझे, एक स्काई बॉक्स लगा हुआ वो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ तक किसी को एनवायरनमेंट में कोई मसला है, कोई चीज़ समझ ना आई हो। पार्क एयर की तरह का है, कोई डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा इसमें एनवायरनमेंट में। सब क्लियर हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं काम कैसे स्टार्ट करूँगा मैं वो सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने जो भी मैंने काम करने हैं वो मैं हायरार्की में करता हूँ, सही है। और अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं फोल्डर बनाता जाऊँ और उनमें चीज़ें जो जो मैंने डालनी है वो डालता है, ठीक है। स्क्रिप्ट का मैंने एक फोल्डर बना दिया, यहाँ पे सारे मेरे स्क्रिप्ट आ जाएंगे। और सीन्स के अंदर मेरा एक सीन पड़ा हुआ है, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक सैम्पल स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, क्रिएट किया और सी शार्प स्क्रिप्ट पे कर दिया। इसका नाम है न्यू मोनो बिहेवियर, ठीक है। तो मैं इसका नाम चेंज फ़िलहाल यही रहने देता हूँ और इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि इसमें फ़िलहाल ओपन नहीं कर रहा क्योंकि विजुअल स्टूडियो पर शेयरिंग आपसे करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोड देख लेता हूँ, यहाँ ये दिखा रहा है मुझे इसके अंदर एक स्टार्ट का और अपडेट का फंक्शन लगा हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्क्रिप्ट पे भी काम करेंगे बट ये कि फ़िलहाल इसे बनता कैसे वो आप देखें। नेक्स्ट, अब लोग हम लोग ये करेंगे कि यूनिटी में कोई चीज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल मैं एंड्रॉयड पे काम करूँगा, मैं पीसी या लिनक्स की बिल्ड पे काम नहीं कर रहा। तो एंड्रॉयड में हम लोग स्विच प्लेटफॉर्म करेंगे सबसे पहले ताकि सारी चीज़ें एंड्रॉयड के हिसाब से हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ से स्विच प्लेटफॉर्म कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म स्विच होने में थोड़ा लोडिंग ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये स्विच हो चुका है, मेरे एंड्रॉयड पे आ चुका है। और मैं क्या क्या बिल्ड बना सकता हूँ इससे, iOS की भी बना सकता हूँ और बाकी एक्सबॉक्स PS4 विंडोज़ की बिल्ड बना सकता हूँ और UWP यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म, ये मेरा होलोलेंस वगैरह में काम आता है उसकी बिल्ड बनाने में, ठीक है। तो एंड्रॉयड पे फ़िलहाल मैं काम करता हूँ, मोबाइल पे मोबाइल की एक एप्लीकेशन बनाते हैं। क्लोज़ किया यहाँ से और अब बिल्ड सेटिंग में जा रहा हूँ। इसको मैं पहले प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्ड सेटिंग में पहले भी आया था इसको, इस पर प्लेयर सेटिंग होता है, यहाँ से आ जाऊँ या फिर एक जगह और है प्लेयर सेटिंग्स की, एडिट में जाके यहाँ पे भी प्लेयर आता है, कहाँ भी आता है, प्रेफरेंसेस में नहीं। अच्छा, मे बी वो डिफरेंट वर्जन में आता होगा, प्लेयर में आता है यहाँ पे भी ऑप्शन, देखते हैं प्लेयर कहाँ पर है। चलो प्लेयर सेटिंग यहीं से ओपन कर लेता हूँ फिलहाल। चलो, और अभी यहाँ पे अगर मैं राइट पे देखूँगा तो प्लेयर सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। ये प्लेयर सेटिंग्स मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, सेम प्रोसीजर है, जो मैं क्लिक करूँगा उसकी प्रॉपर्टीज मेरे राइट हैंड पे ओपन हो जाएंगी, सही है। समझ आ रहा है सबको, मसला तो नहीं, एक मैसेज आया है देख लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट ये कि
कंपनी का नेम यहाँ पे रखूँगा मैं, कोई भी रख सकता हूँ, डिफॉल्ट कंपनी। प्रोडक्ट का नेम क्या है मेरा, उसने प्रोजेक्ट के नेम से उठा लिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है, चेंज भी कर सकता हूँ। इसके अलावा प्रेजेंट यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, आइकन है मेरे पास, आइकन की सेटिंग्स हैं, रेजोल्यूशन, फिलहाल इसको मैं छेड़ नहीं रहा, मैं डायरेक्ट XR सेटिंग्स पे आ जाता हूँ। XR सेटिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वुफोरिया ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्ट, क्योंकि मैंने AR पे काम करना है तो मुझे, मैं अभी फ़िलहाल वुफोरिया यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से जो शार्ट लेते हैं वो वुफोरिया पे काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। वुफोरिया पे चेक करता हूँ, मेरे पास वुफोरिया पे टिक हो गया, क्योंकि मेरे पास इसकी सपोर्ट पहले से अवेलेबल है, तो उसने मुझे कुछ कहा नहीं, डायरेक्ट उसने टिक कर दिया। वरना आपके पास ऑप्शन आ सकता है इंपोर्ट का या डाउनलोड का, कुछ ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, कि आप उसको पहले डाउनलोड कर लें, वो यहीं पे ही डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग, हमारे पास वुफोरिया की AR की सपोर्ट आ चुकी है, करेंगे क्या हम लोग अब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे वुफोरिया इंजन आ रहा है, सपोर्ट मैंने ऑन की तो मेरे पास आ गया। अब मैं AR कैमरा इसका यूज़ करता हूँ, अब कह रहा है कि भाई आप कुछ एसेट्स और इसको डाउन इम्पोर्ट कर लें जो है फिल्म, मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ उनको। यहाँ पे मेरे पास अगर सीन में दो कैमरे हो ना तो मसले हो जाते हैं, तो फिलहाल मैं इस कैमरे को बंद कर रहा हूँ, यहाँ से बंद कर दूँ या इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट का बटन दबा के मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AR कैमरा यूज़ करूँगा क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी है, तो AR कैमरा ही मुझे यूज़ करना है और वुफोरिया का यूज़ करना है, ठीक है। AR कैमरा आ गया और उसकी यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। अच्छा, इसमें मैं जाऊँगा, इसमें ये वुफोरिया बिहेवियर की एक स्क्रिप्ट लगी हुई, जिसके साथ मैं सेटिंग्स अपनी को वो करूँगा, तो इसको मैं ओपन वुफोरिया इंजन कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, इसको मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ओपन किया तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ऐप लाइसेंस की, अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे लाइसेंस होगा तो मैं काम कर सकता हूँ, वरना मैं काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। वुफोरिया ने मुझे कहा है कि यहाँ पे लाइसेंस आप डालो तब काम होगा, तब लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहाँ ले जाएगा, गूगल के एक पेज पे लेके जाएगा। लाइसेंस नहीं था तो मैंने डायरेक्ट ऐड लाइसेंस पे किया, मुझे वो गूगल के पेज पे लेकर चला गया, और यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। वुफोरिया की वेबसाइट है ये, developer.wuforia.com। अब यहाँ पे जब मैं लॉगिन करूँगा तो फिर मैं अपना ऑनलाइन एक की जनरेट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ बताता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास कुछ चीज़ें ओपन हो गई, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखूँगा लाइसेंस मैनेजर, मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ों के, दो मैंने लाइसेंस बनाए हुए हैं, जस्ट ऐसे उनके नाम दिए हैं मैंने, ठीक है, और एक टारगेट मैनेजर है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे सारे टारगेट्स होंगे जो मैंने यूज़ करने हैं। ये टारगेट्स मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है, तो मैं फ़िलहाल लाइसेंस मैनेजर में जाता हूँ, और यहाँ पे गेट डेवलपमेंट की है उस पर क्लिक कर देता हूँ। लाइसेंस का आप नेम दे दें यहाँ से, ठीक है। इसमें यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं कि आप कितनी, इस पर कुछ लिमिटेशन है यूजेज के, वो दिए हुए हैं, तो आप इसको कंफर्म कर दें।
और आगे बढ़ जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा यहाँ पे। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैं इसका लाइसेंस की डाउनलोड कर सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है लाइसेंस की, ये मेरे पास आ गई है। अब इसमें मैं जैसे राइट क्लिक करूँगा, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो ये खुद ही कॉपी जाएगी, कॉपी टू क्लिप बोर्ड। अच्छा अब मैं जाऊँगा यूनिटी पे, यूनिटी पे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास सिंपल मैंने पेस्ट करना है, मेरी लाइसेंस मेरा सेव हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब और क्या इसमें करना है, AR कोड फिलहाल नहीं यूज़ कर रहा मैं, बाकी चीज़ें सब 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 कुछ ठीक है। अच्छा डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस एक आ रहा है मेरे पास, तो डेटाबेस अभी मैं ऐड नहीं कर रहा। मैं फिलहाल ये करूँगा कि मेरे पास एक बिल्ट इन डेटाबेस होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा मैं डेटाबेस की क्यों बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक इमेज है, उस इमेज के ऊपर मैं कुछ ऑगमेंट करके दिखाऊँ मोबाइल से, या फिर यूनिटी में ही करके दिखाऊँ। ठीक है, किसी भी तरह से कोई चीज़ ऑगमेंट करके आपको दिखाऊँ। सही है, टारगेट इमेज के ऊपर, वो इमेज जो होगी वो टारगेट होगा, उस टारगेट को मेरा कैमरा आइडेंटिफाई करेगा कि ये टारगेट है, यहाँ पे इस पोजीशन पे चीज़ को ऑगमेंट कर दो। ठीक है, तो आइडिया समझ आया सबको क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग। जस्ट रेज हैंड कर दें जल्दी से, अगर अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो रेज हैंड कर दें। एप्लीकेशन का आइडिया समझ आ गया सबको। ठीक है चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ करनी है सबसे पहले, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इमेज से मैं काम कर रहा हूँ, इमेज के ऊपर कोई टारगेट सेट करके और उसकी चीज़ें करवाऊँ, उस पर कुछ ऑगमेंट करूँ। मैं क्या ऑगमेंट कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेज में। ये इसने कैनवास बिल्ट इन बना दिया, क्योंकि कैनवास के अंदर ही इमेज हो सकती है, कैनवास के बाहर नहीं हो सकती इमेज। और इस इमेज पे अगर जाऊँ तो इस इमेज की टारगेट इमेज है, इस इमेज की पोजीशन ये आ रही है, तो इसको मैं रीसेट अगर कर दूँ, ये यहाँ पे इसकी पोजीशन आ रही है कैनवास के हिसाब से सेंटर में। रीसेट मैंने इस वजह से किया क्योंकि मुझे पोजीशन इनिशियली 0 0 चाहिए होती है, अगर वो कहीं और होगी तो मुझे उसको यूज़ करने में आगे जाके मसले होंगे, इस वजह से मैं इमेज को मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये इमेज क्या चीज़ है, ये सिंपल इमेज है, मैं आपको फोरिया की इमेज लेकर आता हूँ यहाँ पे। ये कह रहा है, इसको मैं खैर डिलीट कर रहा हूँ इस इमेज को, मुझे वो फोरिया की इमेज यूज़ करनी थी यहाँ पे। वो फोरिया की जो इमेज होती है वो इमेज टारगेट के नाम से आती है, मतलब उसको मैं हमेशा टारगेट ही करूँगा, नॉर्मली इमेज के तौर पे यूज़ नहीं करूँगा। तो मेरा AR कैमरा ये रहा और इमेज टारगेट ये रहा। ठीक है, AR कैमरा, इमेज टारगेट, इमेज टारगेट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो राइट साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। अच्छा ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरे पास एक इमेज टारगेट बिहेवियर है, डिफ़ॉल्ट ट्रैकेबल इवेंट हैंडलर है, मतलब ट्रैकिंग की यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब इमेज के ऊपर ट्रैकिंग हुई है, इमेज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं। ये स्क्रिप्ट्स अभी खोल के मैं नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूँ कि कैसे होगा, बट खोल के भी मैं अभी इसमें चेंजिंग करूँगा स्क्रिप्ट में भी। ठीक है, अच्छा ऐड टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, टारगेट मैं कैसे ऐड करूँ, चलें करके देखते हैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़र डिफाइंड, क्लाउड से कर सकता हूँ, कोई क्लाउड तो इमेज है, फिलहाल ऐड टारगेट करता हूँ। ठीक है, ऐड टारगेट करूँगा तो ये मुझे पेज पे चला जाएगा, तो पेज पे मैंने फिर टारगेट कोई बनाने पड़ेंगे मुझे, कैसे बनाने पड़ेंगे, अभी इंपोर्ट करता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट टारगेट, बनाने का बाद में बताता हूँ। अच्छा इंपोर्ट का ऑप्शन दे दिया इसमें, चलें मैं इंपोर्ट करके आपको एटलीस्ट ट्राई करके दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे इमेज टारगेट का नेम आया एस्ट्रोनॉट,
ड्रोन आए मेरे पास, और क्या है, तकरीबन 8 इमेजेस इसके पास डिफ़ॉल्ट है। तो आप लोग अगर कस्टम अपना बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे अभी डेटाबेस इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट अपना बनाएंगे तो आप अपना डेटाबेस इसमें डाल के इमेजेस वहाँ से ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसी का यूज़ कर लिया जो इसने मुझे फ्री में दिया हुआ था। तो अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि इमेज कौन सी है? तो मैं इस पे इमेज पे डबल क्लिक करूँगा तो ये इमेज आई है मेरे पास, ये देखें एस्ट्रोनॉट की इमेज आई। इसको मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ, जो मेरे पास इमेज टारगेट है ड्रोन की इमेज आ गई। ठीक है, ये चीज़ें आ गई, ये जस्ट पिक्चर्स हैं और कुछ भी नहीं। ये पिक्चर क्यों है? ये पिक्चर इसलिए है कि इनको मैं डिटेक्ट करवाऊँ, इस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये है क्या, और फिर अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेगा तो उस पर वो चीज़ें ऑगमेंट कर देगा। अब अगर मैंने कोई चीज़ इसके ऊपर ऑगमेंट करवानी है, मैं अपने मोबाइल से एक पिक्चर ले लेता हूँ इसकी, ताकि फिर मैं आपको इसको ट्रैक करके दिखाऊं कि ये ट्रैक कैसे होती है। मैं इसको एक पिक्चर दे दूंगा तभी ये ट्रैक कर ले, बट फिलहाल मैं मोबाइल पे इसकी पिक्चर लेता हूँ, सॉरी कैमरा। सही है, पिक्चर ले ली मैंने। अच्छा, अब मैंने कोई ऐसी चीज़ इस पे लगानी है जो मुझे डिस्प्ले हो जाए। मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई मेरे पास मॉडल पड़ा है ना सूर्या का, P5 पड़े हैं मेरे पास, और कोई ऐसा मॉडल मैं देख लेता हूँ यहाँ पे P5 इन्होंने सूर्या ने दिया है या नहीं। वैसे सूर्या नहीं देता, आपने अलग से ही कोई मॉडल इस पे या कोई भी चीज़ लगानी होती है। मेरे पास मॉडल नहीं है तो मैं मॉडल कोई नेट से निकाल लेता हूँ और इसको फिर ऑगमेंट करवा लेता हूँ। सही, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं मॉडल इसमें इंपोर्ट कर लूँ अपना। या फिर एक काम करते हैं कि मैं एसेट स्टोर में चला जाता हूँ, अगर मेरे पास एसेट्स नहीं है तो मैं एसेट स्टोर में चला जाता हूँ। वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एसेट स्टोर का, और अगर मैं कंट्रोल लाइन दबाऊंगा तो भी मेरे पास ऐसे स्टोर खुल जाएगा, कंट्रोल लाइन। साइन इन करना पड़ेगा, अच्छे साइन इन हो रहे हैं अभी। अब यहाँ से मैं कुछ एसिड्स लिख के सर्च कर लेता हूँ, कुछ मेरे पास एसिड्स आ जाएंगे। देखता हूँ यहाँ से मॉडल में कहाँ से क्या निकालता हूँ, कोई सैंपल मॉडल निकाल लेता हूँ। मेरे पास कुछ चीज़ें डाउनलोड पड़ी हैं तो मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड कर किया हुआ था, इंपोर्ट कर लिया। तो ये खैर एक गेम है फ्लैपी बर्ड के नाम से, और इसके अंदर प्री फाइव्स के अंदर मुझे बना हुआ प्री फाइव मिल गया, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। ये एक बर्ड है,
तो इस बर्ड को सिंपली मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ। तो खैर बर्ड मेरे पास 2D में है तो 3D तो नहीं है, तो इसको मैं खैर कोई 3D चीज़ लगाता हूँ ताकि मुझे विजिबल अच्छे से हो। या फिर कोई 3D चीज़ देख लेते हैं इसमें, इसको छोड़ स्टोर से कुछ 3D निकालते हैं। 3D कहाँ मिलेगा मुझे? इसकी यहाँ से प्राइस सेट होती है, अगर आपने फ्री मॉडल्स पे काम करना है तो आप $0 सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करेंगे तो सारे फ्री वाले आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे स्पोर्ट्स कार का है, इसकी मैं रेटिंग देखता हूँ, ये रेटिंग अच्छी है काफ़ी। तो ये कार्स के मॉडल हैं, कार्स के मॉडल ले लेते हैं, इनको यूज़ करते हैं फिर डाउनलोड करके। यहाँ से डाउनलोड किया, अच्छा लग रहा है ये काफ़ी। तो ये एड्स यहाँ पे आप लोग गेम की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जो मेनली जो इस पे काम होता है वो गेम डेवलपमेंट का ही होता है। तो AR तो खैर एक पार्ट है यूनिटी का, बट मेनली जो यूनिटी है वो गेमिंग इंजन ही है। यहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसको। अच्छा अच्छा इम्पोर्ट हो गया मेरे पास। मैं वापस सीन में अपने जाऊँगा। तो खैर मेरे पास कैमरा बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं इसको छोटा कर दूँ। अच्छा अच्छा कहाँ है मेरी कार? स्पोर्ट्स कार यहाँ पे आ गई। ठीक है इसको मैंने खोला, इसके अंदर है फेयर्स। स्पोर्ट्स कार के मॉडल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है प्रीफैब्स क्या होते हैं? 3D मॉडल में हम लोग ये करते हैं कि सीन में कोई चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको रीयूज़ करने के लिए प्रीफैब में यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो डायरेक्टली हम लोग स्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकें। इसका समझ आपको जब आप लोग करोगे तो ही आएगा। प्रीफैब डायरेक्ट मैं आपको इस तरह से नहीं समझा सकता, बट ये मॉडल का समझ लेके मैं यहाँ से कोई चीज़ ड्रैग करके इधर लेके जाता हूँ तो वो प्रीफैब बन जाएगा। फिर मैं उसको कहीं और भी एक ही चीज़ को उसका इंस्टेंस बनाना हो या कुछ भी करना हो स्क्रिप्ट में वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो प्रीफैब बनाने का फ़ायदा ये है कि उसका यूज़ जो है वो डिफरेंट जगहों पे मैं एट अ टाइम कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास मॉडल है जिसमें मटेरियल एनिमेशन मॉडल वेट ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ से मैं आइडेंटिफाई करूँगा, ये FBX इम्पोर्ट सेटिंग मुझे दे रहा है और ये चीज़ें मॉडल पे आती हैं। प्रीफैब क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स कार प्रीफैब ऐसे। ठीक है तो स्पोर्ट्स कार का प्रीफैब मैंने यूज़ करना है, मैं डायरेक्ट 3D मॉडल यूज़ नहीं करूँगा। तो ये देखो मैंने इसको ड्रैग कर दिया सीन में तो ये यहाँ पर आ गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग करूँ तो भी ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पर आ गया, सही है। तो इस तरह से मैं काम कर सकता हूँ। इसकी लाइट्स वगैरह सब ऑन है, इसमें काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। कार में डिटेलिंग अच्छी। अच्छा मैं गेम में देखता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है अभी, इसका मतलब कार बहुत बड़ी है, उसके सिर्फ टायर दिख रहे हैं मुझे। अच्छा अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इमेज है, इमेज जब ट्रैक हो तो कार आ जाए, ठीक है, वरना कार ना आए। तो मैं इमेज टारगेट के अंदर डाल देता हूँ इसको। ठीक है अब इमेज टारगेट के का मैंने इसको चाइल्ड बना दिया स्पोर्ट्स कार को। स्पोर्ट्स कार बड़ी बहुत है फिलहाल, इसका साइज़ में कैसे है? इसको मैं एक काम करता हूँ डिलीट करता हूँ और इसको दोबारा इंपोर्ट करता हूँ इसके अंदर इमेज टारगेट के अंदर, ताकि अपने पेरेंट की चीज़ें इनहेरिट करें।
बट इसका साइज़ अभी काफ़ी बड़ा है, तो इमेज के ऊपर इसको फिक्स करने के लिए मुझे साइज़ छोटा करना पड़ेगा। मेरी इमेजेस ये दिख रही है कैमरे के अंदर, बहुत छोटी है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि इसका स्केल है 1, मैं 0.2 कर देता हूँ इसको, और इसको भी 0.2 कर देता हूँ, यहाँ से भी 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज़ मेरा कहाँ चला गया, छोटा हुआ है लेकिन मेरी कार इमेज से बहुत ऊपर है, इमेज के ऊपर नहीं, अभी भी मज़ीद छोटा होगा ये 0.05, आई थिंक मुझे ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब लग रहा है कि इमेज के ऊपर आ जाएगी, तो मैं इमेज के ऊपर ले जाता हूँ इसको। अब कुछ बेहतर लग रही है ये, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ी सी नीचे चली गई है मेरे से, ये इसकी हाइट है और सही है। हाँ चला गया, उल्टा हो गया, ठीक है, इमेज के ऊपर कार आ गई। गेम में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसको मैं प्ले करूँगा तो क्या होगा। मैंने प्ले किया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैं मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, कैमरा एमएस टीम्स यूज़ कर रहा है, तो 1 सेकंड में अपना कैमरा ऐसे ऑफ करता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा उसको, कैसे पब्लिश करता हूँ। उसामा, आपने पब्लिश करके नहीं ट्राई किया, पब्लिश आपका डायरेक्ट फेसबुक पे हो जाएगा। अच्छा अली हैदर, इसके अंदर ना कैमरे को ड्रैग बैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये एआर कैमरा है, ये नॉर्मल यूनिटी का कैमरा नहीं है, तो इसमें ड्रैग बैक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी कार विजिबल तब होगी जब आप अपना उसको टारगेट इमेज दिखाएंगे, तो ही विजिबल होगी, तो रन टाइम पे आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बनाते हुए तो आपको गेम व्यू की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के इश्यूज के लिए, तो उसका कोई मसला नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो अब यूनिटी का कैमरा मैं आपको प्ले करता हूँ, तो यूनिटी में कैमरा मेरा आ जाएगा जी। फ्रंट कैमरा सेट कर लेता हूँ, कैमरा क्यों। अच्छा, मेरा वो फोरिया बंद हो गया, ये कह रहा है कि वो फोरिया इनेबल नहीं है, वो किसी कोई ऐसा पैकेज था जिसके अंदर, जिसकी सेटिंग्स की वजह से मेरा फोरिया बंद हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, एड ओपन सीन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर उसकी वजह से भी नहीं करता, फोरिया मेरा चेक करता हुआ तो मेरा कैमरा एआर नहीं चलेगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा, मेरा लाइसेंस तो डला हुआ है इस पर, और ये सारी चीज़ें ओके हैं, प्ले करते हैं। ठीक हो गया, कैमरा आ गया मेरा। अब इसमें क्या करना है, मैंने अपना फ़ोन ऑन करना है, फ़ोन में मैंने पिक्चर पहले ही ले ली थी, एक सेकेंड, फोन लिया किस तरह से। ट्रैक क्यों नहीं कर रहा ये, मैं इसको रिप्ले कर रही हूँ, ये ट्रैक नहीं कर रहा फिलहाल। नीचे मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं कि हाँ ट्रैक कर रहा है ये, क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको कैमरे को ट्रैक करने में थोड़ा सा मसला आता है, तो ये देखें अभी ये रोटेट हो गई तो मसला कर रहा है। इसकी मोबाइल की लाइट का भी होता है, थोड़ी सी मैं लाइट कम करता हूँ, इसको ऑटो से हटाता हूँ, तो अब मेरा कैमरा थोड़ा सही से देख लेगा इसको, ठीक है।
यहाँ पे सारे स्टेटस आ रहे हैं इसके, वर्जन्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा अली हैदर आपने देख लिया कि कैमरे से कोई उसका लिंक नहीं था एआर कैमरे का? क्योंकि मेरे पास जो एआर कैमरे का मकसद है वो इमेज टारगेट, अब इमेज टारगेट कहीं भी हो वो उसको ट्रैक कर लेगा, वो मसला नहीं करता। बस एक इमेज टारगेट का कैमरे के सामने होना चाहिए तो वो कर लेगा। ठीक है। अच्छा इतना मेरे पास काम हो गया, अब मैं इसको एंड्रॉयड में बिल्ड कैसे कर सकता हूँ? मैं ये करता हूँ कि एपीके बनाना आपको सिखा देता हूँ कि एपीके से कैसे बनती है। फिर आप ये करेंगे कि एपीके का किस किस को पता है एपीके क्या होती है? कैमरा की क्वालिटी इफेक्ट प्रेजेंटली रिजल्ट। अली अदर क्या कह रहे हो आप, कैमरा की क्वालिटी इफेक्ट? अच्छा एपीके एक्सटेंशन है, मतलब एक्सटेंशन को पता तो है किसको क्या होता है। एपीके फाइल होती है, फाइल का एक्सटेंशन डॉट एपीके होता है। तो ये ऐसी फाइल होती है जो हम लोग अगर कहीं से हमें मिल जाए तो हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं एज एन एप्लीकेशन। मतलब वो फाइल अगर मैं अपने मोबाइल से ओपन करना चाहूँगा तो मुझे बोलेगा इंस्टॉल कर लो, तो एपीके के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है डायरेक्टली। उसमें कुछ खास नहीं, जैसे हम स्टोर से करते हैं वैसे एपीके से करते हैं, एपीके डाउनलोड करके। या असलान में आप अपना सवाल रखिएगा, जितने भी सवाल हैं अपने सवाल रखिएगा, मैं आपको कॉल पे लेके फिर आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। बाकियों के भी जो जो सवाल हैं वो मैसेज में थोड़ा सा, एक मैसेजेस आ रहे होते हैं तो स्किप हो जाता है, तो ये कि वन बाय वन मैं फिर कॉल पे लेके इनके सबके जवाब देता हूँ। दूसरा टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कॉल पे लेके उसको ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकूँगा। ठीक है, तभी लेता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में कॉल पर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन बन गई है इसकी, मैं एपीके बनाना आपको सिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके आपकी सारी क्यूरीज हैं उनकी उनको हल करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा बिल्ड सेटिंग्स में। बिल्ड सेटिंग्स में आकर मेरे पास एंड्रॉयड तो मैंने पहले ही सेटअप कर लिया था। अच्छा एंड्रॉयड की जो सेटिंग्स है वो मैं नहीं छेड़ूंगा, मेरे पास सब है। बिल्ड के लिए यहाँ पर इंटरनल नहीं होना चाहिए, ग्रेडली होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई इशू आता है बिल्ड में तो फिर मैं उस देखूंगा कि क्या करना है, बट फिलहाल मेरे पास कोई इशू नहीं आएगा इस चीज़ में। मैंने सीन अपना यहाँ पे देख सकते हैं आप, सैम्पल सीन है, और मैं अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो मैं जस्ट इस बटन को क्लिक करूँगा ऐड ओपन सीन, तो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो सीन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नेम होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे नेम आ चुका है ऐड ओपन सीन पे। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और मैं दोबारा क्लिक करूँ तो वही नेम आ गया मेरे पास, तो सीन आ गया मेरे पास। अब इसको मैं बिल्ड करता हूँ। ठीक है, बिल्ड एंड रन करूँगा तो उसके लिए मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए कोई एंड्रॉयड। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेयर सेटिंग में चले जाते हैं क्योंकि बिल्ड में इशू आएंगे मुझे पता है। बिल्ड में क्या इशू आएगा, अदर सेटिंग में जाऊँगा। ठीक है, अदर सेटिंग्स मुझे लाजमी करनी है क्योंकि उसके बगैर मैं बिल्ड नहीं कर सकता। अदर सेटिंग्स में पैकेज का नेम मैं चेंज करूँगा, कॉम कंपनी प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी डिफ़ॉल्ट पे बिल्ड नहीं बनेगी, आपके पास एरर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने कंपनी का नाम मैं लिखता हूँ PAF, और प्रोडक्ट नेम मैं लिखता हूँ
ARPROJECT कहीं भी नहीं, मतलब ये डिस्प्ले नहीं होगा कहीं पे, बट आपने एक पैकेज का नेम देना है, ठीक है, वर्जन आप यही रहने दें उसका, और मिनिमम API लेवल है ये, ठीक है, मिनिमम API लेवल मेरे पास ठीक है 16 है, जो AR कोर वाले जिन्होंने AR कोर पे थोड़ा बहुत देख लिया है उस पर आपने देखा होगा कि API लेवल मेरे पास 4.1 तक नहीं आता, ऊपर आता है, मतलब एंड्रॉयड मेरा ख्याल है 7 या 6 तक है API लेवल उनकी, कहाँ पर है 24 से स्टार्ट होता है, तो मैं और भी चेक कर लेता हूँ, और भी सेटिंग तो नहीं करनी मुझे, बस पैकेज नेम ही है जो मसला कर सकता है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया और सब ठीक है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ फिलहाल। चले बिल्ड से पहले एक चीज़ और कर देते हैं, जो हम लोग आइकन देख रहे होते हैं, जैसे मैं अगर एप्लीकेशंस की बात करूँ, ये वाले आइकन्स, ठीक है, सबको दिख रहा है ये जो आइकन्स आ रहे हैं, ये आइकन्स भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो मैं कहाँ से डालता हूँ, जो एप्लीकेशन का आइकन होता है जो ओपन करने से पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आइकन सिंपल कोई भी ड्रैग कर दूँगा, तो डिफ़ॉल्ट आइकन की जगह यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एसेट्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, अगर मैंने पिक्चर्स ऐड करनी है तो मैं उनका नाम दूँगा, एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ उसमें मैं आइकन वगैरह रख दूँगा, ठीक है, फोल्डर का नाम मैं देता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ, स्प्राइट्स, क्योंकि यूनिटी में होता है कि इसको स्प्राइट्स कहते हैं, और स्प्राइट्स जो होती हैं वो 2D की चीज़ें होती हैं। आइकन में डाउनलोड कर लेता हूँ कोई AR का, अच्छा आइकन मैंने डाउनलोड कर लिए, अब मैं इस पर लेयर सेटिंग में जाके लेयर सेटिंग में जाता हूँ और आइकन अपना ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो स्प्राइट लेकर आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, स्प्राइट्स के अंदर मैंने अपनी एक पिक्चर यहाँ पे एक आइकन मैंने ऐसे ही निकाल लिया गूगल से और उसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊँगा इसको क्या करूँगा, स्प्राइट 2D UI में कन्वर्ट करना होता है, तो ये इसने खुद कर दिया, मुझे करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो स्प्राइट 2D UI पे क्लिक कर दें, ठीक है, क्योंकि मैंने स्प्राइट्स का फोल्डर बनाया था तो इसलिए वो समझ गया कि यहाँ पे स्प्राइट 2D UI, इसको खुद ही उसने कर दिया, किसी और फोल्डर में डालेंगे तो शायद ना करें, फिर डिफ़ॉल्ट पे आपको फिर सेट करना पड़ेगा। मैं बिल्ड सेटिंग्स में गया, प्लेयर सेटिंग्स में गया और मैं यहाँ पे स्प्राइट इसको दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट आइकन ये। अब मैं जब भी इसको बिल्ड करूँगा तो बिल्ड होने के बाद ये मुझे आइकन इस टाइप का शो करेगा। बिल्ड सेटिंग में गया, फाइनली इसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें अपनी बिल्ड रख देता हूँ, इसका नाम क्या रखूँ, AR बूटकैंप बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ओपन किया इसको और यहाँ पे APK का नाम दे दूँ, AR क्लास AR यूनिटी बिल्ड, ठीक है, सेफ। अब ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड करने के लिए मेरे पास और भी चीज़ें होनी चाहिए, तो जो जो रिक्वायरमेंट जो जो एरर्स आपके पास आए उसको आपने साथ साथ उसको हैंडल करना है, ये आपको बता भी देगा कि क्या 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 चीज़ें ज़रूरत है, जैसे JDK हो गया, JDK चाहिए होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है, उसके साथ बिल्ड बनती है। मैं मैसेज में लिख देता हूँ ये चीज़ें, अगर इन इन चीज़ों का किसी को मसला है तो ये चीज़ें आप इंस्टॉल कर लें।
सब मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मेरे पास आई थिंक अब बिल्ड बनने वाली है, कोई इश्यू नहीं आएगा। अलीदर ब्लेंडर में बनाए, माया में बनाए या 3D Max में बनाए, आप यूनिटी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी की वेबसाइट पे आप जाके सर्च करेंगे और लिखेंगे कि यूनिटी कौन कौन से मॉडल के फॉर्मेट सपोर्ट करता है, FBX करता है, OBJ करता है, दो तीन और करता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा FBX यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप FBX में एक्सपोर्ट कहीं से भी करें, वो आप तो यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। VR में हो या किसी में AR में भी हो, आप मॉडल तो कहीं से भी आप बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट ये चीज़ आप चेक कर लेना कि सपोर्ट क्या है यूनिटी की। अगर यूनिटी फाइल फॉर्मेट को, मॉडल के फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो फिर आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे फाइल, अगर मैं शेयर कर सकता हूँ तो ये वाली बिल्ड मैं आपको शेयर कर देता हूँ जो मैंने बनाई। तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि अपने फ़ोन पे, अगर जिनके पास PC नहीं भी है, तो अपने फ़ोन पे इसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, और फिर क्या होगा, फिर आपको एक इमेज की ज़रूरत होगी, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा सिंपल। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप जब उसको प्ले करेंगे, कैमरा ओपन होने के बाद आप जो है वो इमेज चाहिए होगी, वो इमेज भी आपको देता हूँ, वो इमेज कहीं और ओपन करके फिर उसको आप मोबाइल से देखें, तो फिर आपको एक कार दिखेगी जो हमने बनाई है। तो एक फ़न है ये, आप ट्राई करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखता हूँ यहाँ पे फाइल शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ है। मेरे पास ये आ चुकी है बिल्ड बन के, APK बन चुकी है। किसी को मसला आ रहा है या कोई बिल्ड में अगर फंसा हुआ है तो वो मुझे बता दें। मैसेज कर दें या रीलाइन कर दें, मैं ये ट्राई करता हूँ, मैं फाइल शेयर कर दूँ आपको भी सर। अच्छा फवाद, आप ऑनलाइन है क्या? जी सर, तो यार मुझे फाइल शेयर करनी है, तो यहाँ पे कोई एक्सेस का है यहाँ पे फाइल का? सिंपली आप चैट में शेयर कर सकते हैं या आप फवाद को व्हाट्सएप कर दें, हम यहाँ से शेयर कर देते हैं, कोई मसला नहीं होगा। चैट में तो फिलहाल शेयर नहीं हो रही, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ चैट में। आई थिंक इस पे ऑप्शन नहीं है फाइल शेयरिंग का। चले मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मैं मेल दे देता हूँ आपको, या अभी ईमेल आप दे भी देते मेल हैं दे आप। दें। जी मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर लेता हूँ ड्राइव पर अपलोड करके, तो फिर वो लिंक सबको मैं दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके ट्राई कर लें। ठीक है, ये भी बेहतर है। जी एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं इसको अपलोड कर दूँ। अच्छा, जब तक आप लोग जो है अपने सवाल सोच लें,
जो भी आपने देखा वो किसको समझ आया किसको नहीं समझ आया, उनमें कोई इशू आया तो वो मुझसे पूछ रहे हैं। फिलहाल फाइल अपलोड हो रही है तो फाइल आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ वंस अपलोड हो जाए। डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन कर सकते हैं। जी एप्लीकेशन हम लोग बना चुके हैं, डिस्कशन किसी को करनी है तो कर लें। अच्छा सर मुझे आप बुला रहे थे। फवाद मैं जैसे पूछ रहा था कि यहाँ पे हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं या नहीं, तो फिलहाल यहाँ पे कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है फाइल शेयर करने का, तो मैं खैर एक गूगल पे इनको शेयर कर रहा हूँ सबको अटेंडीज को। मेरे पास खैर अपलोड हो गई है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ सबको। सर बस वो लिंक शेयर कर दें वहां से सब जाएगा एक्चुअली से। बस मैं लिंक के साथ क्रिएट करके फिर शेयर करता हूँ जस्ट वन मिनट। अच्छा लिंक मैंने क्रिएट कर लिया है, अब मैं शेयर करता हूँ लिंक आपसे, चैट में शेयर कर रहा हूँ, आप सारे इसको ओपन करके डाउनलोड करके देखें, किसी भी बार इशू आए तो फिर मुझे बताएं। ठीक है लिंक आ गया चैट में, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। मैं पिक्चर भी भेज रहा हूँ आप लोग को, वो पिक्चर आप ट्रैक करके इसको देखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। फिर थोड़ा सा मैंने यूनिटी की चीज़ों का बताना है आपको कि यूनिटी में स्क्रिप्टिंग कैसे होती है। इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रही हैं, तो अब स्क्रिप्ट्स का क्या काम है वो मैं समझा देता हूँ और कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि स्क्रिप्टिंग करते कैसे हैं, इसमें बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। मैंने क्या करना था, पिक्चर्स निकालनी थी, होती हैं पिक्चर्स। फोरिया में गया मैं फोरिया के अंदर डेटाबेस है मेरे पास, डेटाबेस के अंदर फॉर फ्रंट है, एडिटर है, एडिटर में भी नहीं है कुछ, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फोरिया ने अपनी डेटाबेस की पिक्चर्स रखी हैं। अच्छा मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मेरे पास एस्ट्रोनॉट की पिक्चर थी ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एस्ट्रोनॉट लिख देता हूँ, ये आ गई पिक्चर, तो मुझे यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट सर्च कर ली। ठीक है इसको शो इन एक्सप्लोरर करके मैं इस पिक्चर को निकाल लेता हूँ। डाउनलोडिंग कर रहे हैं आप लोग सब,
एस्ट्रोनॉट की पिक्चर भी मैं ड्राइव पे डाल देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मुझे शेयरिंग ही अलाउ ही नहीं कर रहा। कल किसी ने पिक्चर वगैरह शेयर की थी, बट मुझे कोई उसका आइडिया नहीं है कि किस तरह से पिक्चर शेयर हुई है। मेरे पास उसका कोई नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। फाइल अपलोड करनी है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ड्राइव पे दे देता हूँ फिर। अच्छा, इमेज का मैं अलग से लिंक दे रहा हूँ क्योंकि इमेज भी मेरी शेयर नहीं हो रही। अच्छा, कॉपी पेस्ट भी मैं कर रहा हूँ अरसलान। कॉपी पेस्ट भी मेरा काम नहीं कर रहा, खैर यहाँ पे तो हो सकता है मेरा वो फाइल शेयरिंग का कहीं से ब्लॉक हो। फिलहाल मैं उसको नहीं जा रहा, आप ये कि यहाँ से कर लें डाउनलोड, लिंक मैंने दे दिया। अच्छा, ये इमेज का लिंक है, दोबारा लिंक है एप्लीकेशन का, ठीक है इसको डाउनलोड करके ट्राई कर लें। और मैं शेयर करता हूँ यूनिटी दोबारा आपको इसे। अच्छा, दोबारा यूनिटी पे अगर आ जाए तो मैं स्क्रिप्ट को अब देखना चाह रहा हूँ कि इसमें कोडिंग कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इमेज टारगेट पे जाऊँगा और इसका ये जो डिफ़ॉल्ट ट्रैकेबल इवेंट हैंडलर है, मुझे मुझे ये पता है कि ये सारे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ये पिन मेरा विजुअल स्टूडियो में होगा तो अब विजुअल स्टूडियो शेयर करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैंने डबल क्लिक किया, मेरा विजुअल स्टूडियो ऑन हो गया और उसमें वो स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। ठीक, इस तरह से। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें मेरे पास यूजिंग यूनिटी इंजन और वो फोरिया, ये दो चीज़ें यूज हो रही हैं। ये क्या है, ये मेरे पास कह सकते हैं कि नेम स्पेस टाइप की चीज़ है। यहाँ से मैं लाइब्रेरीज टाइप की चीज़ है जहाँ से मैं सारी चीज़ें एक्सेस करूँगा, जो बिल्ट मेरे पास चीज़ें लाइब्रेरी में पड़ी हैं। यूजिंग वो फोरिया, यूजिंग यूनिटी इंजन, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा पब्लिक क्लास बनी हुई एक डिफ़ॉल्ट ट्रैकेबल इवेंट इसके नाम से, और ये एक बेस क्लास है मेनो बिहेवियर। ये प्रोग्रामिंग वालों को ये तो बेस क्लास का तो आइडिया होगा, बाकी सारी चीज़ें इससे इनहेरिट होके आएंगी। तो मैं अभी इन सारी चीज़ों को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये सारे काम हो रहे हैं इसमें, ठीक है, ट्रैकिंग के काम हो रहे हैं। तो मैं खैर छोटा छोटा स्क्रिप्ट आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। ये तो स्टेट चेंज है, मैं ऑन ट्रैकिंग लॉस, ऑन ट्रैकिंग फाउंड। अच्छा ठीक है, इन फंक्शंस पर मैंने जाना जो ट्रैकिंग के। अच्छा, मैं गो टू डेफिनेशन पे गया तो ये डायरेक्ट मेरे पास आ गया, ऑन ट्रैकिंग फाउंड। ठीक है, अब मैं मेरे पास ये वन रेफरेंस आ रहा है तो ये कहाँ पे यूज होगा, ये यहाँ पे यूज होगा। और ये फंक्शन कहाँ पर है, स्टेट चेंज का एक फंक्शन बना हुआ है जो बिल्डिंग चल रहा है, उसके अंदर फाउंड और लॉस की हो रही है। तो मैं फ़िलहाल, मुझे समझ क्या आया इससे, ये समझ आया कि मेरे पास वो इंस्टेंस मौजूद है जहाँ पर ट्रैकिंग फाउंड हो रही है और ट्रैकिंग लॉस कहाँ पे हो रही है। मतलब जैसे मैं इमेज दिखाऊंगा तो फाउंड हो जाएगी। ठीक है, फाउंड होने पे उसने करना क्या है, उसने इमेज वो देखेगा कि चाइल्ड है तो चाइल्ड को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये काम ये कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, फाउंड पे गए। अच्छा, ये इसने एक चीज़ बनाई हुई है खैर ऊपर, बट मेन मैं फंक्शनैलिटी दिखाऊंगा आपको।
यहाँ पे कंपोनेंट को इनेबल कर रहा है ये, ठीक है, रेंडर कंपोनेंट कैसे उठाया इसने ये। खैर अभी डायरेक्टली मैं इस स्क्रिप्ट पे आ गया जो कि गलत है, तो मैं आपको इस स्क्रिप्ट से नहीं समझा रहा क्योंकि आधे लोगों को पता नहीं ये समझ आया ना है। तो खैर मैं अगर ऑन ट्रैकिंग फाउंड के फंक्शन को सिर्फ देखता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं देख रहा, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डीबग, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, बाकी प्रोग्रामिंग में ये होता है कि बाकी लैंग्वेजेस में आप कंसोल डॉट राइट लाइन और इस टाइप की चीज़ें लिखते हैं, तो ये सेम वही चीज़ है। डीबग डॉट लॉग यहाँ पे ये लिखते हैं और ये आपकी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं इंस्पेक्टर के अंदर। तो अब मैं ये दिखाता हूँ कैसे होती है। अच्छा कैमरा मुझे ऑफ करना पड़ेगा, यूनिटी में आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा अब गेम क्या होगी, गेम ये होगी कि कंसोल में मैं आऊँगा, मैंने एक डीबग लगाया जो कंसोल के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे ही मैं इमेज लेकर आऊँगा मेरे डीबग में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, सही है, ये काम मैंने करना है यहाँ पे। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ, मैं इसको इमेज दिखाऊँगा, मेरी इमेज कहाँ गई, मेरी मेरी इमेज कार आ गई, और यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि पहले से बहुत सारे डिबग लगे हुए हैं यहाँ पे। कार आ गई, मैं इसको हटाता हूँ, हटाने भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। अच्छा यहाँ पे दोबारा डिटेक्ट हो गई, अब इसमें ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ये देखें ये मेरा वो डिबग है जो मैंने लगाया था। बाकी इसने अपने डिबग लगाए हैं जो ट्रैकिंग के ऊपर चल रहे हैं, बट मैंने एक डिबग लगाया वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कि मेरी प्रोग्रामिंग इससे लिंक हुई है, और चीज़ें कैसे लिंक होती है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब किसी चीज़ पे मैंने काम करना है तो मैं अपनी स्क्रिप्ट बना के कैसे करूँ। तो मैं इसको अभी हटाता हूँ। अच्छा मेरे पास आधा घंटा रह गया है और सेशन एंड करना है, तो आपको यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो अपने सवाल अभी ले आए मेरे पास, ठीक है। अशलान इमेज आपने, यार चलो खैर है, मैंने लिंक के थ्रू शेयर कर दिया आपको। जी ट्राई कर ली आप लोगों ने एप्लीकेशन, किसी ने खुद अपनी बिल्ड भी बनाई है, कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी बिल्ड बनाई हो, अपने पीसी पे खुद बिल्ड बनाई हो? यार यूनिटी लैग कर रहा होगा आपका सिस्टम की क्या है वो स्पेक्स क्या है? अच्छा ओल्ड है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप यूनिटी 2018 को रिमूव करके आप यूनिटी कौन सा कर लें, आप पुराना वर्जन कर लें 2017 भी खैर लैग करेगा आपके पास। पीसी की स्पेक्स बता दें तो फिर उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कौन सा आप यूनिटी करें। कोई पुराना वर्जन कर लेंगे तो वो लोड कम लेगा। पीएम लैपटॉप यार इसकी स्पेक्स वैसे थर्ड, ये थर्ड जनरेशन का है, जनरेशन कौन सी है? चलो यूनिटी के कोई पुराने वर्जन आप ट्राई कर लेना, यूनिटी आर्काइव डाउनलोड। काम करना आप 7th जनरेशन है आपके पास? 7 तो यार उसमें तो कोई मसला आना ही नहीं चाहिए, 7th जनरेशन में कोई इशू नहीं आता। 7th जनरेशन में अगर आप 2019 का यूनिटी भी यूज़ करें ना तो आपके पास लैग का इशू नहीं आता, इंटेल प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है।
इंटेल प्रोसेसर मेरे पास भी यही चल रहा है, तो बहुत अच्छा है इसका रिस्पॉन्स है। पर मेरे पास 8th जनरेशन चल रहा है, तो मैं जो भी यूनिटी लेटेस्ट से लेटेस्ट डाल रहा हूँ उसमें कोई हैंग का इशू नहीं आता। तो आप रैम देख लें, रैम तो नहीं कम है आपकी? यार लिखने को नहीं जाए आप, मतलब आप DXDIAG पे आप चेक कर लें, रन करेंगे कमांड, कमांड कह रहा हूँ मैं, विंडो बटन प्लस आर करें और उसमें DXDIAG लिख के एंटर कर दें, तो आपके पास उसकी डिटेल खुल जाएगी। लिखने को नहीं होता, वो जो अंदर होता है वही लिखा हुआ आता है। और किसी का सवाल था जो मैंने कहा था कि लास्ट में पूछ लेना आपको? बस एक बंदे ने काम किया है और किसी ने नहीं किया। अच्छा सवाल है हमारे का, अच्छा सवाल है कि सीन के जो मूवमेंट के कंट्रोल से वो बता रहे हैं, इसका मतलब बंदा काम कर रहा है। अच्छा मूवमेंट के जो कंट्रोल्स हैं यार, अगर आप आल्ट दबाएंगे, आल्ट प्लस माउस का, आल्ट प्लस माउस के दो बटन है ठीक है, एक से रोटेट होगा, लेफ्ट से रोटेट होगा, और राइट से ये होगा कि आप तो जूम कर सकते हैं एक तो। ग्रैब कर सकते हैं, चलो गुड हो गया यार। गेम डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, गेम डेवलपमेंट ही मेन इसका काम है यूनिटी का। AR एक पार्ट है जो इससे इनहेरिट करता है। अच्छा यूनिटी पे आ गए अब, खैर यहाँ पे हमने ये चीज़ें कर ली हैं और बिल्ड वगैरह बना ली है, तो अब बेसिक कोडिंग का मैंने बताना था आपको कि किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम ये करेंगे कि ये मॉडल है, इस मॉडल को हमने ये कैमरा में हटा देता हूँ, AR कैमरा में हटा दिया, इमेज टारगेट हटा दिया मैंने ठीक है। अब मैं इस मॉडल के साथ खेलूँगा, मैं AR की कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक कैमरा यूज़ करता हूँ
और इस कैमरे की पोजीशन मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, जो एक एक भाई ने बताया था कि इस कैमरे के सामने कर दें, तो अब वो वाली चीज़ मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरे कैमरे के प्रीव्यू में कार आ नहीं रही, तो अब मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले तो इसको रीसेट करता हूँ, क्योंकि ये सारी AR के हिसाब से काम था, कैमरे के अंदर इतनी बड़ी कार आ रही है, अब मुझे करना पड़ेगा काम। मैं ये देख रहा हूँ कि ये कार बिल्कुल ज़ीरो पे रखी हुई है, और मेरा कैमरे की जो रेस है वो इस तरफ बन रही है, जो कार थोड़ी सी उससे दूर होनी चाहिए कैमरे से। तो मैं, मेरे पास ये कंट्रोल आ गया क्लिक करने से, मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अब कार ज़्यादा खैर दूर हो गई है, थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर मुझे बेस्ट फिट लगता है। ये हो गया, थोड़ा सा और करीब करो इसको, ठीक है, ये हो गया, ले करके देखता हूँ क्या आता है। अच्छा, अब ये मेरे मोबाइल का कैमरा खोल नहीं रहा, मुझे ये स्क्रीन पे ये दिखाएगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इसका साइड व्यू चाहिए, मैं साइड व्यू ले लेता हूँ इसका, इसके वाई एक्सिस पे जाके इसको रोटेट कर देता हूँ, वाई पे या एक्स पे, एक्स पे रोटेट करूँगा इसको, नहीं वाई पे करूँगा, हाँ वाई पे मुझे साइड व्यू मिल जाएगा, प्ले करके देखता हूँ क्या मिलता है मुझे, साइड व्यू मिल गया, सही है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट से मैं कोई काम करवा दूँ, तो स्क्रिप्ट के लिए मुझे मैनेजर पे काम करना होता है, तो मैं एक क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, यूनिटी में जो भी काम होता है वो गेम ऑब्जेक्ट्स पे होता है, क्रिएट एम्प्टी किया, गेम ऑब्जेक्ट आ गया एम्प्टी, ठीक है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ गेम मैनेजर, ठीक है। मैनेजर बन गया, इस पर एक मैं स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, जो मैं चाह रहा था कि मैं कोई स्क्रिप्ट बनाऊं, तो यहाँ से कैसे करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी कर लिया, स्लो करता हूँ, ऐड कंपोनेंट किया, स्क्रिप्ट मैं इसके ऊपर लगाऊंगा गेम मैनेजर के ऊपर, जो कि गेम की कंट्रोलिंग करेगी, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट को यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट किया, और यहाँ पे इसका नेम दे रहा हूँ गेम CONTROLS, ठीक है, गेम कंट्रोल्स के नाम से देंगे, क्रिएट एंड ऐड, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ऐड हो चुकी है, ओपन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे, अच्छा ओपन हो गई, इसके अंदर स्टार्ट है मेरे पास और अपडेट है, ठीक है। स्टार्ट और अपडेट का क्या काम है, स्टार्ट तब काम आता है जब मैं प्ले करता हूँ बिल्कुल अपना जो प्रोजेक्ट है मेरा, जैसे उसको प्ले करता हूँ, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो मेरा ये स्टार्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें करता हूँ कि जिन चीज़ों के मुझे कुछ कंपोनेंट्स चाहिए हो, कोई चीज़ मैंने एक्सेस करनी हो, तो मैं वो चाहता हूँ कि स्टार्ट पे हो जाए, बाद में ना हो, जिनकी मुझे स्टार्ट में ज़रूरत होती है। तो फ़िलहाल मैंने काम ये करवाना है कि मेरी जो कार डिस्प्ले हो रही है इस वक्त, मैं यूनिटी प्ले करता हूँ, मेरे पास कार डिस्प्ले हो जाती है, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो कार डिस्प्ले, मैं एक बटन दबाऊँ तो वो कार डिस्प्ले हो, और बटन दबाऊँ तो बंद हो जाए, ठीक है। या फिर ये कि बटन पे कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल बनाऊँगा, वेरिएबल क्या है ये, इसकी टाइप है पब्लिक, और इसके साथ मैं लिखूँगा गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे पास जो कार है वो गेम ऑब्जेक्ट है, तो मैंने उसका यहाँ उसको कोड में लेकर आना है, तो उसका मुझे लिंक बनाना पड़ेगा, तो लिंक में यहाँ पे मैं टाइप दूंगा गेम ऑब्जेक्ट, तो लिंक बन पाएगा, ठीक है, CAR। अब ये कार यहाँ से कैसे आएगी मेरे पास, फ़िलहाल तो मैंने यहाँ एक लाइन लिख दी है, मेरे पास कार नहीं आई है, तो आएगी कैसे, यूनिटी से आएगी, तो एक सेकेंड, मैं यूनिटी में कैसे आएगी वो दिखाता हूँ, यूनिटी में चले जाता हूँ। अच्छा, यूनिटी में मैं आऊँगा तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है उसने यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है।
यहाँ पे देखें आप, इस स्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास एक कार का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे नन गेम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। गेम ऑब्जेक्ट इसकी टाइप है तो मुझे यहाँ पे कोई गेम ऑब्जेक्ट ही देना है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारे गेम ऑब्जेक्ट आ गए जो भी मेरे पास सीन में यूज हुए हैं। यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ कार को, स्पोर्ट कार यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पोर्ट कार सर्च कर सकता हूँ, या तो फिर डायरेक्ट सिंपली इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग कर दूँ। ये रेफरेंस आ गया स्पोर्ट्स कार का, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा था, एक बटन बन जाए और उस बटन के ऊपर स्पोर्ट्स कार विजिबल हो जाए, ठीक है। ये बटन बनाया, बटन कहाँ आया, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है मुझे गेम में, नहीं हो रहा। अच्छा ये इसको डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसको रीसेट करते हैं। ये बटन यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, तो अब इस बटन को मैं साइड पे थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा बटन आ रहा है, ठीक है। बटन मैंने कैसे ऐड किया, मैंने यहाँ से किया, मैं यूआई पे गया और यूआई से मैंने बटन को ऐड कर दिया, ठीक है। बटन में जाके मैं यहाँ पे अगर देखती तो मेरे पास ऑन क्लिक का फंक्शन है, मतलब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा। ऑन क्लिक को मैं प्लस करूँगा और मैंने अभी क्लिक का फंक्शन बनाया नहीं है, बट मैं बनाऊँगा अभी। तो मैं पहले इसको लिंक कर देता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर नो फंक्शन है, ठीक है, और स्क्रिप्ट का नाम आ रहा है गेम कंट्रोल्स, ठीक है। अब गेम कंट्रोल्स के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये बिल्टिन चीज़ें मुझे शो कर रहा है, जो मैंने खुद बनाया हुआ फंक्शन वो शो नहीं कर रहा मुझे। तो मैं अब विजुअल स्टूडियो में जाकर फंक्शन बनाऊँगा, फिर इसको कहूँगा कि भाई मेरे फंक्शन में जो काम है वो करवा दो, ठीक है। तो अब मैं फंक्शन लिखता हूँ अपने कोड में जाके, विजुअल स्टूडियो में आया। मेरे पास कार का मैंने रेफरेंस में बना चुका था, वो आ चुकी है मेरे पास। मैं स्टार्ट में सोच रहा हूँ कि इसको बंद करवा दूँ, ठीक है। तो ये छोड़ें, मैं इसको ऑन ऑफ ही करा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट में बंद करवा के बाद में ऑन करवाने से बेहतर है कि एक बार बटन दबाएँ ऑन हो जाए, एक बार दबाऊँ ऑफ हो जाए, ऑन और ऑफ, ठीक है। तो ऑन ऑफ कैसे कराऊँगा, पब्लिक टाइप का एक वो करूँगा मैं, फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक ऑन ऑफ का बना देता हूँ। रिटर्न टाइप इसकी मैं, इसका नाम चेंज करने वाली हूँ, कार को ऑन ऑफ करना, ठीक है। ये एक फंक्शन बना दिया पब्लिक और ये इसके अंदर अब काम होगा। कार को ऑन ऑफ कैसे करना है, कार का मेरे पास यहाँ पे आ गया और रेफरेंस आ गया। अब कार के साथ में खेल सकता हूँ, ठीक है। कार मेरे पास यहाँ पे आई तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि अगर कार ऑन है तो उसको ऑफ कर दो, अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर दो, ये काम करना। इसके अंदर मैं लिखूँगा इफ कार कार को कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया, बल्कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट कार डॉट एक्टिव सेल्फ आ रहा है, ठीक है। अगर एक्टिव है तो क्या करना है, कार डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, ठीक है। ये मुझे चीज़ें मतलब सेट एक्टिव कर दूंगा इसको फॉल्स, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगी, अगर ऑन है तो बंद हो जाएगी
और अगर ऑन नहीं है तो क्या करूँ, एल्स में लिखूँगा। अगर ऑन नहीं तो कार को ऑन करवा दूँगा, कार मोड सेट एक्टिव ठीक। ये मेरे पास ऑन ऑफ की चीज़ मैंने बना दी है, कंडीशन लगा दी है कि इस तरह से इसको ऑन ऑफ कर दो। सिंपल कंडीशन है, इसमें देखो कार को पहले चेक कर रहा है कि एक्टिव है या नहीं, ठीक है। अगर उसको एक्टिव मिलेगी तो वो यहाँ चला जाएगा, इफ़ के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और फॉल्स करवा देगा, बंद करवा देगा। अगर एक्टिव नहीं मिलेगी तो वो एल्स में चला जाएगा और कार को ऑन करवा देगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर ये कम्प्लीट हो जाता है कोड, और मैं कोड को बंद कर देता हूँ और मैं यूनिटी में जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ यूनिटी में, यूनिटी में मैं आ गया। अब यूनिटी लोड होगा, स्क्रिप्ट जो मैंने लिखे हैं वो लोड हो रहे हैं अभी, और आई थिंक लोड हो गया। यहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरा रेफरेंस तो बना हुआ गेम कंट्रोल्स के अंदर, जो मेरी स्क्रिप्ट है। मैंने बटन पर स्क्रिप्ट लगा दी, मैनेजर तो लगा दिया था लेकिन मेरे पास फंक्शन नहीं था ना। अब मैंने फंक्शन का नाम रखा था ऑन ऑफ कार, ठीक है। फंक्शन में जाऊंगा, गेम कंट्रोल्स में जाऊंगा, यहाँ पे ऑन ऑफ कार मेरे पास फंक्शन आ रहा है अभी, ठीक है। फिर इस पर क्लिक कर देगा। अब जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बटन काम करेगा कि एक बार ऑन करवाएगा, अगर ऑन है तो ऑफ करवा देगा, ऑन ऑफ का काम करेगा। प्ले करते हैं, ठीक है, ये ऑफ हुई, ये ऑन हुई, ठीक है। एक बार क्लिक किया ऑफ हुई, दूसरी बार क्लिक किया ऑन हुई, सही है, समझ आ रहा है सबको? प्रोग्रामिंग थोड़ी सी बेसिक आइडिया दिया आप लोग को, प्रोग्रामिंग का कुछ समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारा सेशन एंड करने में, तो जिसके भी सवाल आते हैं वो अब से स्टार्ट हो गए, सवाल करना शुरू कर दें। अच्छा, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज के लिए जो कवर करना था वो मैं कर चुका हूँ, और इसके अंदर जो भी चीज़ें उनमें अगर कोई इशू आ रहा है किसी को वो डिस्कस कर लें, कोई सवाल है तो वो पूछ लें। हाँ, फिल्टर पब्लिश कैसे करें? फिल्टर पब्लिश आप जब अकाउंट बनाते हैं ना अपना स्पार्क AR पे, जब आप लॉगिन होते हैं तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन हो जाएं, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक सेकेंड आपको ऑप्शन दिखा दूँ। अच्छा, तो मैं स्पार्क AR मैंने शेयर कर दिया आपसे, मेरे पास वही सारी चीज़ें ओपन हुई हैं, ठीक है। मैंने इसको पब्लिश करना है तो मैं यहाँ पे मेरा माउस अगर आप देखती हैं तो टेस्ट ऑन डिवाइस पर गया, और मैं यहाँ पे मेरे पास रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैं मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, कैंसिल किया। अच्छा, यहाँ पे सेंड टू एप्लीकेशन है। अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो आप फेसबुक कैमरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर जस्ट आप सेंड करेंगी तो आपके पास मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगी आपके फेसबुक अकाउंट पे, ठीक है। फेसबुक एप्लीकेशन आप ओपन करें मोबाइल के अंदर, आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन, जैसे ये आ रही है मेरे पास, ये जो मैंने ट्राई किया था उसकी नोटिफिकेशन है। तो आप इस नोटिफिकेशन पे जैसे, अच्छा नोटिफिकेशन पे, हाँ, इसको जब ओपन करेंगी तो आपके पास कैमरा खुल जाएगा, फिर आप अपना फिल्टर ट्राई कर लें इस पर। ये चीज़ है, क्लियर है या दोबारा से बताऊं? अच्छा, आपने जो एप्लीकेशन की लिंक सेंड की है वो सिर्फ कैमरा शो कर रहा है। कैमरा ही शो करेगा, लेकिन आप उस कैमरा आप बैक खोलेंगे या फ्रंट तो खैर नहीं होगा, बैक ही खुला होगा आपका कैमरा, तो आप उसके सामने इमेज को ट्रैक करें, काशिर हसनैन, तो आप उसके सामने इमेज को ट्रैक करें तो कुछ डिस्प्ले होगा, कैमरा ही दिखेगा, बहुत सही दिख रहा है आपको। अच्छा, पब्लिश फिल्टर का हो गया काम जुनेरा?
काशिद हुसैन, मैंने एक और लिंक भी शेयर किया था, उसके अंदर पिक्चर होगी, तो वो पिक्चर कहीं और ओपन करके आप अपने कैमरे से ट्रैक करो तो आपको कार विजिबल हो जाएगी। सही है, क्लियर है सबको? चलो गुड है। चले, आई थिंक सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब करना ये है कि सेशन एंड करते हैं, और उसमें उससे पहले ये कि असाइनमेंट होगा, और असाइनमेंट जो करेगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट के लिए असाइनमेंट आप लोग को मैं फवाद से मैं शेयर भी कर दूंगा, तो वो सबको मिल जाएगा। और उसमें होगा ये कि एप्लीकेशन बनानी होगी आप लोगों ने, उसमें ऑप्शंस मैं रख दूंगा कि आपने अगर फ़िल्टर पे काम करना है तो आप एक बार फ़िल्टर मुझे बना के दें। फ़िल्टर्स की रिक्वायरमेंट मैं फवाद को दे दूंगा कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से ही होगा, ये कर दें। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन पे बनाना चाह रहा है यूनिटी पे, मैंने एक स्पार्क यार आपको इंट्रोड्यूस करवाया, और यूनिटी, तो यूनिटी पे जो लोग करना चाह रहे हैं वो यूनिटी पे मैं कुछ एक दो टास्क दूंगा, वो आप लोगों ने करना है, तो वो फिर आगे फवाद आपको मुझसे शेयर कर देंगे आप लोग की जो भी चीज़ें, और फिर अप्रूव होने के बाद मैं सर्टिफिकेट की इंशाल्लाह उनसे बात करूँगा, आपको प्रोवाइड कर दी जाए। अच्छा, अर्निंग के हवाले से पहले कुछ सेशंस में बात हो रही थी कि हम लोग अर्निंग कैसे करें, तो किसी को जानना है कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को सीख के? कितने लोगों को जानना है? अर्निंग का बड़ा मसला होता है स्टूडेंट लेवल पे। अर्निंग का ये कर सकते, चलें मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी ये है कि अर्निंग आप लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि एआर में फ़िलहाल पाकिस्तान में अगर जॉब्स का देखें ना तो काफ़ी कम जॉब्स हैं, ठीक है? तो अब अर्निंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी ट्रेंड बहुत कम है, अब ट्रेंड बढ़ेगा तो इसमें जॉब्स भी बढ़ जाएंगी। बट ये कि अगर हम लोग यूनिटी पे काम करें तो यूनिटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गेम डेवलपमेंट भी है, और इसी इन्हीं कामों से आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और अपना एआर वीआर पे भी काम कर सकते हैं। एआर वीआर का काम पाकिस्तान में फ़िलहाल कम है, हो रहा है बट कम हो रहा है गेम के मुकाबले में, गेम का काम ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग अगर यूनिटी सीख लें तो गेम में भी काम कर सकते हैं और एआर वीआर में भी कर सकते हैं। एआर वीआर में अगर कहीं जॉब का हो कि जॉब नहीं मिल रही, तो गेम में ज़रूर मिल जाती है जॉब। इसके अलावा फ्रीलांस में बहुत काम है, और अगर बाहर जाना हो तो बहुत काम है, ठीक है? फिल्टर्स का काम ऑनलाइन मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग अच्छे फिल्टर बना लेते हैं तो ऑनलाइन आप इस पर काम कर सकते हैं, फाइवर वगैरह पे या फर पे, ठीक है? इसके अलावा अपने पब्लिश से फ़िलहाल तो पेमेंट नहीं हो रही, अपने जो आप पब्लिश करते हैं,
बट ये कि अपने बना के फिर आप उनको कहीं बाहर मार्केट करें तो वो वहाँ से फिर अर्निंग हो सकती है। फर्दर ये कि आप उस पर काम अच्छा सीख जाएं, एडवांस लेवल पे सर्च करें कि काम कैसे हो रहा है, एडवांस लेवल के काम करें तो बाहर से कुछ जॉब्स आपको ऑफर हो जाएंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो आपको काम जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। और जाहिर है लोग जब तक कम है इस फील्ड में तो इसमें जॉब्स और सैलरी वैली जो भी है वो अच्छी होती हैं, और प्रोजेक्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, खास खासकर यूनिटी पे अच्छे मिलेंगे आपको। फवाद आप ऑनलाइन हैं? नहीं नहीं सर, मैं इधर हूँ। सही है, तो इनको थोड़ा सा क्राइटेरिया समझा दीजिएगा उसका जो आप लोग। अच्छा, क्राइटेरिया बताओ। हाँ अच्छा, इस तरह है कि जो सर्टिफिकेट्स पे जैसे आपको सर ने बताया क्राइटेरिया, उसमें से एक चीज़ जिस पर हम एवेलुएशन करेंगे दैट इज असाइनमेंट जो कि आप लोगों ने सबमिट करनी होगी। ठीक है, सर प्रोवाइड कर देंगे तो मैं आप लोगों का चेक कर दूंगा। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया होगा दैट इज कल एक छोटा सा क्विज होगा, तो उस क्विज में हम देखेंगे कि किसने कितना सीखा है एंड प्लस उसके अलावा मेरे पास एक अच्छी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में से कोई भी जिसको AR VR का या यूनिटी पे काम करना आता है तो आई हैव अ स्मॉल इंटर्नशिप, बहुत अच्छी कंपनी है, रिमोट इंटर्नशिप है। सो अगर मुझे उस बंदे का काम पसंद आया तो मैं उसको वो इंटर्नशिप भी ऑफर कर दूंगा। आई हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, बट मैं जस्ट चाह रहा था कि मुझे एक बंदे का मैसेज आया था कि मुझे इस तरह एक इंटर्न चाहिए। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मुझे इस बैच में से कोई मिलता है तो मैं उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा मेरी पर्सनल सजेशन यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लर्निंग पे फोकस करें। हाँ, जहाँ पे बंदा स्टक हो जाए तो फिर आप बेसिकली मेंटोर्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। और उसके अलावा बस यही है कि कीप ऑन वर्किंग हार्ड, और इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा उसमें एक छोटा सा क्विज होगा और एक छोटा सा टॉपिक जो है वो मैं करवा दूंगा। कि दैट्स इट फ्रॉम माय साइड से। ठीक है, तो सही है, हम लोग ये चीज़ क्विज़ वाला काम रख लेते हैं। इसके अलावा आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको काम समझ आए उसको आप बिल्कुल रखें, और मेरी तरफ से ये कि मैं भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता हूँ तो मुझे भी बंदों की ज़रूरत होती है, तो इन फ्यूचर ये कि मैं भी देख सकता हूँ किसी फिल्टर के काम के लिए या यूनिटी के काम के लिए राइट नाउ, बट डिज़ाइनिंग के भी काम आते हैं, तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी फिर मैं फवाद से भी रابطہ कर सकता हूँ इस बारे में कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप लोगों में से ही कुछ लोग सेलेक्ट हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो ये अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ से। ठीक सर, किसी का कोई सवाल है तो बेशक आप पूछ सकते हैं सर से। वैसे टाइम अप हो गया सेशन का, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह कल सेशन कंटिन्यू करेंगे और उसमें क्विज होगा छोटा सा। और बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम थैंक यू, निकाला हमारे लिए इस बूट कैंप के लिए, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड वेलकम। आई होप कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेंड किया है तो उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो लेट्स सी, कल मुझे पता लग जाएगा किस बंदे ने कितना सीखा है। होपफुली इंशाल्लाह क्विज में भी और असाइनमेंट में भी, एंड उस बंदे को मैं एक अपॉर्चुनिटी भी दे दूंगा। ठीक है फवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच, मीन्स अ लॉट अल्लाह सर। हाफिज, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।